गैज आपको बताएं कि भारत की मेजबानी में वर्ल्ड कप जारी है, जिसका 11वां मैच शुक्रवार को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच होने वाला है और इस मैच को लेकर अलग अलग प्रिडिक्शन किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको सही प्रिडिक्शन बताऊंगा। जी हां गैज, आपको बताएं कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच होने वाला यह मुकाबला चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच में ही जीत हासिल की है। वहीं बांग्लादेश ने 2 मैच में से 1 मैच में जीत हासिल की है और पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर है। तो गैज आज हम आपको न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग 11 और हेड टू हेड मैच की जानकारी देने वाले हैं। तो गैज पहले हम बात करेंगे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गैज आपको बताएं कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच ये मैच चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा और यहां की पिच बैटर्स के लिए काफी सही मानी जाती है। इस पिच पर तेज गेंदबाज शुरुआत में कुछ सीम और स्विंग का आनंद ले सकते हैं और लास्ट में रिवर्स स्विंग का आनंद ले सकते हैं। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो धीमी बॉल वास्तव में भ्रामक हो सकती है और बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। बताएं कि इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीमें बॉलिंग चुन सकती है। एंड गाइस, इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 231 रन का होता है। गाइस न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो बताएं कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने वनडे में 41 बार एक दूसरे का सामना किया है, जिसमें कीवी टीम ने 30 बार जीता है और बंगाल टाइगर्स ने 10 बार जीत हासिल की है और एक मैच टाई रहा। एंड गाइस आइए देखते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। गाइस आइए देखते हैं पहले न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11। गाइस न्यूजीलैंड की टीम में डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर, मैट हेनरी, इश शोडी और ट्रेंट बोल्ट। एंड गाइस बांग्लादेश की टीम में तंजीद हसन, लिटन दास, नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, मुशफिकुर रहीम, तौहीद हिरदोई, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान। गैज आपको एक खास बात बताए तो बांग्लादेश इस बार पूरी तरह से कमर कस के तैयार है न्यूजीलैंड को 2 पॉइंट देने के लिए। गैज इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो गैज अगर आप लोग स्पोर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। ओके गैज आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।